नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ओफ। और अब उफ होने वाली है सियासी दलों की, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है जिसका बहुत दिन से इंतजार था, खासकर हम कह सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं को, क्योंकि जिस तरह से सरकार बनाई गई थी, बीजेपी की सरकार जैसे बनी थी कांग्रेस को तोड़ फोड़ कर, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे। खुद बीजेपी भी काफ़ी संतुष्ट नहीं थी, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी थी। और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को टेम्परेरी मुख्यमंत्री तक बता दिया था। हालांकि अब चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार सरकार कितनी स्थिर रहती है या फिर हो जाता है सारा गोलमाल। फिलहाल 3 नवंबर को होने वाले हैं वोट। और अब बात करते हैं हम मुद्दों की बात करें तो दल बदलू पहला मुद्दा है, किसान कर्ज माफ़ी दूसरा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा रहेगा और सबसे बड़ी बात भीतरी घात एक बड़ी समस्या रहेगी, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि जो नेता कांग्रेस में थे आयतित होकर बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी के उन नेताओं को काफ़ी मिर्ची लगी है, वो नेता काफ़ी परेशान है, उन नेताओं को काफ़ी बुरा लगा है जो बीजेपी में बरसों से सेवाएं दे रहे थे, उनके सपने थे, उनके अरमान था। और जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि इतने साल तक वो मेहनत करते रहे हैं पार्टी के लिए, तो उनका भी एक अरमान ये था कि उनको भी कुछ एक्सपोजर मिलेगा, उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा। तो कुल जमा कहा जा सकता है काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं बीजेपी को, लेकिन फिर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। और इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि इस चुनाव के बाद ये तय होगा कि कौन किसका गढ़ सुनिश्चित रहता है और किसका गढ़ ढहता है, क्योंकि बीजेपी अपनी सरकार जरूर बना चुकी है, आत्मविश्वास की कमी है और कांग्रेस उसी आत्मविश्वास की कमी का फ़ायदा उठाना चाहती है, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है, लेकिन सिर्फ 3 नवंबर तक इस बात का साफ हो जाएगा कि आखिरकार जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। बहुत धन्यवाद।